संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली तेमज आसपासना लोकोना आस्थाना प्रतीक एवा वाघछिपा गाम खाते आवेल हजरत पीर सैयद अब्दुल गफूर शाहनी दरगाह पर नियाज अने कव्वालीनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। दादरा नगर हवेलीना वाघछिपा गामे खाते आवेली हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाह वाघछिपा दरगाह खाते संदल नियाज प्रसाद अने कव्वाली कार्यक्रमनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेमां प्रदेशना हिंदू मुस्लिम बिरादरो मोटी संख्यामां उपस्थित रह्या हता। ज्यारे दरगाह पर मुंबईथी खास पधारेल कव्वाली द्वारा कव्वालीनी रजूआत कराता मोटी संख्यामां लोकोए कव्वालीनी मजा माणी हती। दरगाह कमेटी की तरफ से और बिलखसूस आले जनाब फिरोज बाकू की तरफ से मैं हजरत सैयद अब्दुल गफूर शाहनी के उनसे मुबारक की सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को उनसे मुबारक की मुबारकबादी पेश करता हूँ और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन जिन लोगों ने यहाँ पर बाबा के उर्स में हाजिर होकर शिरकत करके उसको कामयाब बनाया, बाबा के उर्स मुबारक को कामयाब बनाया। शहर में एक वली का दरबार है, सूफी संत का दरबार है। इस दरबार के अंदर हर कोई तशरीफ़ लाते हैं, हर कोई ज़ियारत के लिए आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हाज़िरी देते हैं और अपने दिल के मनोकामनाएं अपनी मुरादें लेकर अपनी आरजुएं लेकर आते हैं और अल्लाह के करम से इन वलियों के दरबार में सबकी मुरादों को पूरी की जाती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सबकी मुरादें पूरी होती हैं, सबकी मन्नतें पूरी होती हैं। और मैं इस बाबा के दरबार से इनका वसीला लेकर यही दुआ करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब हिंदू मुस्लिम सिख भाई ईसाई भाइयों को सबको आपस में मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमाएँ, एक दूसरे के लिए भाईचारगी और इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमाएँ और ऐसे सूफी संतों की बारगाह में आने की तौफीक अता फरमाएँ और इसे उनसे मुबारक में शिरकत करने की तौफीक अता फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबकी दुआओं को इन वलियों के सदके में कबूल फरमाएँ और हम सब के घरों में अमन शांति हो, सुकून हो, इत्मीनान हो और हम एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को अपने हबीब के सदके में कबूल फरमाएँ। आज हमारे दादरा नगर हवेली में पीर सैयद अब्दुल गफूर शाह बाबा का उर्स मुबारक मनाया जा रहा है और ये उर्स में हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, हर कौम के लोग इस औलिया इकराम की बारगाह में अपनी अपनी श्रद्धा लेके, अपनी अपनी मन्नत लेके, अपनी अपनी मुराद लेके उनकी बारगाह में हाजिर हुए। जिस तरह के हर साल की तरह हम लोग गफूर शाह बाबा का उर्स बनाते, इस तारीख और इस दिन उर्दू तारीख के हिसाब से 16 रजब और आज अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 17 तारीख और आज उर्स गफूर शाह वली का उर्स है और हर लोग आए हुए और इनकी बारगाह में अपने अपनी श्रद्धा और अपनी अपनी मनोकामना और अपनी अपनी इनसे मुराद बंद होकर जाते और फेस पाते। मैं मालिक से ये दुआ करूँगा कि आज गफूर शाह वली की बारगाह में हर लोग आए हुए इनकी बारगाह में अपनी चादर लेके, अपनी मुराद लेके, अपनी दिली श्रद्धा लेके यहाँ आए, अल्लाह इनके वसीले से और इनकी दुआ से तमामों की मुरादों को पूरी अता करे, तमामों की श्रद्धा पूरी करे और तमामों की मुसीबतों को रियायत अता फरमावे। मैं आज हमारे मुल्क के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे वतन के लिए मैं आज गफूर शाह वली की बारगाह में दुआ मांगता हूँ कि आज हमारे मुल्क में जो महामारी चल रही है, जो बीमारी चल रही है, इस बीमारी को सारे जहान से दूर अता फरमावे, सारे जहान से तमाम इंसानों की हिफाजत अता करे।